बहुत बधाई जी पात्र हो तुम। मैं तुम्हें मुबारक बाद देना कि तुम इन्नी वड्डी मेहनत करके योगदान पाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस वक्त इन्ना वड्डा भंडार है। नहीं तो कोई वक्त सी जदों असी हमेशा ही इस चीज़ से निर्भर रहते कि बाहरों का खाने का समान कदों आएगा, पर हुण ये सिचुएशन है कि असी बाहर भेज रहे हाँ। ये सारी इस करके पॉसिबल हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत की, इस करके किसान मेला तो थानू की फायदा? फायदा है जी, जो आप चंगा बीज मिलेगा जी चंगा मुनाफा होएगा जी। ठीक है, जो आप बीज माड़ा मिलेगा जी फिर मुनाफा नहीं होएगा जी। अच्छा, नवा कुछ वेखन मिलता है, तकनीक नवी वेखन मिलती है, फिर तुम तकनीक अपनाने भी हो? देखना थोड़ी बहुत बनाने भी है जी, जिन्नी को सू सहूलत लगती है। हाँ जी, जे किसान मेले मेरे हिसाब न जी ना हो, मैं तो नहीं लगता है भी कोई होर यह जी चीज़ है कि कोई होर दायरा भी जो सू एडे वे पद्धर से नॉलेज दे दूगा। और वो चीज़ा भी ने जिड़िया की सू बेशक लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि एक बंदा कुछ फील्ड जोड़े ने यूज़ करता ज़्यादातर तो करता भी नहीं, पर उन्होंने चीज़ों की भी जानकारी है चाहे वह कम सी नहीं करने, क्योंकि सीखने बहुत कुछ है जो सीखना चाहिए तो जी नहीं सीखते भी ने। हाँ जी, काफ़ी जमीन ता ही आ जी, जो एड्डी दूरों आ रहा कुछ सीख ही आ रहा जी। ठीक है ना जी, पर ज कोशिश गौर सरकार की होनी चाहिए, ब्लॉक पद्धरी से ज़्यादा किया जाए, 10 पिंड एक मेला लाया जाए, उत्थे ज़्यादा जागरूक होणगे किसान जी। हुण जिवें जिवें टाइम सरकार घटाई जाती है, उस जे बीज वो छेती पक्कण वाले कर रहे हैं तैयार, जे असीं पहले बीज ला पैंदे हां वो पकते नहीं टाइम सिर, अगों हाड़ी की बिजाई साडी लेट हो जाती है। किसान मेले ने स्पेशली पंजाब जिहड़े PAU वालों लाए जाते हैं, इस साल च 2 बारी लाए जाते हैं, तो 4-4-5-5 मेन जिहड़ा है PAU च लगता, बाकी रीजनल सेंटर से लगते हैं। तो मैं कह सकता भी इहदा फायदा हैगा, कुछ इत्थे साइंटिस्ट आउंदे ने, फार्मर आउंदा, नवे बीज मिलते आ, तो तुसीं बीज ले सकते हो। तो बाकी जिहड़ी गल आ भी कई बार हुंदा भी जिन्ना फायदा होना चाहिए उन्ना नहीं हो रहा, पर जे आप एक खेत च बह के जां पिंड च बह के एक दिन कढ लैणा ते एक दिन आप किसी किसान मेले च जाके यूज कर लेना, बहुत ज़्यादा फायदा। जे तुसीं 2 गल्लां भी सीख गए तो थोनू बहुत उस फायदा हो सकता। अच्छा, जो मेलों का मनोरथ है कि थोनू लगता है भी ये मेले पूरा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत फायदा हो रहा जिमीदार। अच्छा, जिमीदार को बहुत फायदा हो रहा है, दुकान तो घटिया मिल जाएगा, समय मार सौदा होता, पक्का बिल नहीं देंगे, गड़े का बीज मिल जाएगा, जिमीदार की करेगा की करेगा, नुकसान हो जाएगा, 50,000 थले किले पिछले 60 थले आ जाएगा। तुसी होर की आस रखते हो भी थोनू मेले में होर की प्राप्त होना चाहिए जो नहीं हो रहा? जिमीदार को कोई सहूलत होर दे देना जी, मतलब बीज नवे क्ढन वो गरंटी लैन भी, यदि घट निकलेगा तो मुआवजा दिता जाएगा। जे जिमीदार 50,000 तो ठेके लै लिया वो बीज कम निकलिया फिर जिमीदार घाटे च आ जाएगा, वो गरंटी लैके अफसर लवा देन जिमीदार लाने तैयार है। अच्छा गगन जी, तुम गल दसो भी हर साल लगते मेलों में कुछ बदले जानकारी बारे नवी नवी जिम्मे टेक्नोलॉजी बदले जी प्रोजेक्टा लेकर आई थिंक उन्ना बदलाव नहीं आया जिन्ना होना चाहिए जी, मेलिया जी का बदलता रहता जी, क्योंकि कंपनियां ने तो उपर जा रही कि किसान की जिंदगी भी बदली है। सवाल यही जिंदगी तो समका हो इच्छा तो खैर सब चाहिए, शायद 80-90% किसान आए होंगे उरे, सब च इच्छा हैगी है जी कि अपनी जिंदगी साड़ी किसी ना किसी कारण करके या कोई फैक्ट्री या कोई नवा काम करके बदल जाए। ठीक है, पर जेडे वो सानू दिखाते हैं या ऐडा करते हैं उरे उन्होंने तो बहुत बदल गई, पर किसान की नहीं बदली। जो खेती के संबंधित अदारे ने या यूनिवर्सिटीज ने उन्होंने वालों थोनू मतलब की नवा किया जा रहा है? यूनिवर्सिटीज देखो जी हम जो नवे सीट वगैरह कढ़ते हैं वो चीज़ आ रही है, बीज आते हैं, कोई नवी टैक्नीक आ, कोई नवा कीटनाशक आता उस बारे दसिया जाता, तो उन्होंने आपदे जिमें PAU तो देख सकते हो स्टॉल्स लगे हुए ने उ कितने बंदे ने कल यूनिवर्सिटी जाना या किसी डिपार्टमेंट जाना कितने इतने डॉक्टर किसान मेले हरेक तरह का डॉक्टर बैठा, चाहे फंगीसाइड है चाहे कीटनाशक वाला चाहे किसी होर वाला है, हरेक डिपार्टमेंट के उरे साइंटिस्ट बैठे आ, जे किसी आप बूटा लियाओ कुछ लियाओ दिखाओ, तो जे आप कुछ ज्ञान लेना चाहिए तो आप बहुत मिलता। अच्छा, ये जुड़िया हुआ एक सवाल होर है भी
यूनिवर्सिटियां विच बैठे या अदारियां विच बैठे साइंसदान प्रोफेसर या वड्डे अहुदेदार उन्हों की जिंदगी जरूर हर साल बदलती है, प्रमोशन मिलती है, तनखाह वधी है ना, उन्हों की जिंदगी की उन्होंने तुहाड़ी जिंदगी कुछ ना बदला लिया क्योंकि उन्होंने ये जिम्मेवारी लाई गई है। नहीं उन्हें वधिया तरीके नाल कुछ बंदे वधिया भी होंगे ने, कुछ तो मिलते ही नहीं मौके पर जो तरीके समझाते नहीं गाइड नहीं करते, कुछ वधिया भी होंगे ने सही गाइड करते हैं जो कुछ मिलते ही नहीं मौके पर यात्रा में। हुण इन्हां दी इन्नी ज्यादा किताबी गल्लां ने जिहड़ियां मैनूं नहीं लगदा हैगा वी ओह पूरी प्रैक्टिकल इन्हां दी जिहड़ी हैगी आ ओह आम बंदे दी जां आम जट दी जिंदगी ते उन्नी मैचिंग नहीं करदी उहदी। असीं ना हुण इंटरव्यू लै के आए आ एक दो किसानां नूं पुछ के आए आ, ओह कहिंदे जो थ्योरीकली दस्सिया जांदा जद उहनूं असीं प्रैक्टिकली मतलब लागू करदे आ उह च अंतर रहि जांदा काम। की तुहानूं लगदा वी उहनां दे लागू करन च कोई उणताई है या दस्सिया ही कुछ सही नहीं जाता या वध दसा जाता है? वध नहीं दसा जाता, यूनिवर्सिटी बड़ा जी दो दो तीन तीन साल हरेक चीज़ का यूनिवर्सिटी पिछे ही तो रह जाती है थोड़ी जी, आम प्राइवेट कंपनियां अगे क्यों निकल जाने, उन्होंने को प्राइवेट चंगा पैसा है, चंगी उन्होंने को खोज करन दी क्षमता है, यूनिवर्सिटी को एक बाउंड पैसा एक जदों कोई भी दवाई कढ़ते होर कढ़ते नाल दे इंस्टेंटली मार्केट च आ जाती है। ठीक है जी, जिहड़ी यूनिवर्सिटी ने खोज करनी है वह पहले आपदे तीन साल खोज हदारियां च उसनू चेक करते हैं तो उत्थे साल जाके इशू कढ़ते आ उस चीज़ को, इन चीज़ नवीं कंपनियां नवं कढ़ लैंदियां ने। हाँ इस करके यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सारे नाल इक्को जी जुड़ी हुई है, इस सारा मनो क्यों जो एक भी कोई माड़ी जी गलती हो गई तो पहले आपके लैवल से ट्राई करते हैं, फिर वह कुछ फार्मर्स के खेतों से ट्राई करते हैं, आपके जोड़े खोज केंद्र ने ए वी के उत्थे ट्राई करते हैं, तीजे साल जाके उस चीज़ को रिलीज़ करते हैं। इन्हां चीज़ों का फर्क है, बाकी आपां कुछ भी आपका तड़का लाने नहीं हटते, यूनिवर्सिटी कुछ कहती है आपां कुछ ना कुछ नाल फंडा ला के कर दें गीत च, फिर आपां छड़ दें यूनिवर्सिटी से भी यूनिवर्सिटी ने आ नहीं किया, पर शायद उन्ना उन्नी इन की मतलब जी परसेंटेज लाइए आपां जी इन्हां दे नवें नमूनियां दी जां जिहड़ी चीज़ां नवीं कर रहे हैं उन्ने मेरे हिसाब नाल उन्नी चीज़ संभव नहीं हैगी, मैचिंग नहीं होंगी वो चीज़ एक किताब की तो एक ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਬਹਾਈ ਬਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਮੈਂਬਰ ਆ 200 ਮੈਂਬਰ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 5-10 ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੀ ਲੇਟ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਨੀਕ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈ ਡਾਈ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਰੂਗੀ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵਧੂਗਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੂਗਾ, ਫਸਲ ਵਧੀਆ।